नया फोन है और इसमें एक नया सिम, इसका नंबर किसी के पास नहीं है, तो इससे फोन करना सेफ रहेगा। अभी मानस भी बाहर गया है, अभी सही टाइम होगा अष्टा को कॉल करने का, है ना? यस, गो फॉर इट। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। मैं थेरुखाट बाबा श्री थरेश्वर जी की सहायक बोल रही हूँ। बाबा जी की भक्त ने आपका नंबर दिया था, बताया कि आप उनसे मिलना चाहती हैं। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं आप ही के कॉल का वेट कर रही थी। मैंने सुना था कि पापा ट्रैवल कर रहे हैं। नो 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 नो, नहीं, प्लान में चेंज हुआ है। बाबा अभी यही हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे ना एक्चुअली उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे उनसे मिलना था इमीडिएटली। आई एम सॉरी, आज तो मिलना नहीं हो पाएगा, पर कल सुबह 9:30 बजे आप बाबा से मिल सकते हैं। ना एक मिनट की देरी, ना एक मिनट की जल्दी, ठीक 9:30 बजे, वरना बाबा गुस्सा हो जाएंगे, फिर वो आपसे कभी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, डोंट से दैट। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि बाबा जी गुस्सा हो जाएं। एग्जैक्टली कल 9:30 आई विल सी हिम, आई प्रॉमिस। वेरी गुड, अंतिम बात सुनिए। अगर समस्या सिर्फ आपकी है तो आप अकेले आइएगा, पर समस्या किसी और के साथ है तो आप उसके साथ आइएगा। यस ऑफ कोर्स, मुझे उनके भक्त ने बात बताई थी, मैं अपने फियांसे के साथ ही आऊंगी। वेरी गुड, पता लिखिए। थैंक यू सो मच, कल सुबह 9:30 बजे। नहीं यार आशना, बहुत गड़बड़ हो रही है और बहुत टेंशन है और मेरा मूड भी नहीं है, तुम मिलके आ जाओ। गड़बड़ है इसीलिए मिलना है मानस, प्लीज मानस। प्रॉब्लम हम दोनों की है, अगर सॉल्यूशन के लिए हम दोनों जाएंगे तो इजी एंड क्विक सॉल्यूशन मिलेगा ना। प्लीज 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 मान जाओ। ओके ठीक है, हम जाएंगे साथ में। थैंक यू। प्लान का स्टेज 1 डन हो गया, कल मानस और आशना 9:30 बजे मंदिर वाले लोकेशन पे आ जाएंगे। ब्रिलियंट, जैसे वो लोकेशन पे पहुंचेंगे हम सारे घर वालों को बुला लेंगे, एंड देन जब वो मानस और आशना को साथ में देखेंगे उनका गेम ओवर, फिर तुम मानस नाम के पिंजरे से टोटली फ्री और अपने सपनों के आसमान में लाइक अ फ्री बर्ड उड़ सकती हो। प्रर, प्रर, प्रर। ओ। ज्योति, क्या तुम दिन भर कपड़ों में लगी रहती हो? जाओ जाके मैंने को बुलाओ। जी मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। फ्रेंचाइजी हमें ही दिलाएंगे। दिलाएंगे? अरे समझो, मिल गई अक्षय भाई फ्रेंचाइजी, मिलते ही इसका 4 गुना पैसा आप महीने भर में कमा लोगे। अरे वो सोशल मीडिया वाली फ्रेंड को तो मैसेज ही नहीं किया। पापा, आपने बुलाया मुझे? देरी के लिए माफी, पर मैं एक काम में व्यस्त था, वही काम जिसके आधार पे मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मेरी बेटी भी मुझे बाकी भाइयों की तरह सफल समझेगी। क्या है इसमें? पहले खोलो तो सही। वाह पापा, इतने बड़े ब्रांड का बैग तुझे चाहिए था ना? थैंक यू सो मच पापा, मैं अभी जाकर अपनी सारी सहेलियों को, अनुष्का को, प्रीति को वीडियो कॉल पर दिखाती हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतने बड़े ब्रांड का बैग मंगवाया है। लेकिन लेकिन ये बैग तो बहुत महंगा होगा ना पापा? तो पैसों की चिंता छोड़, तुम खुश हो ना? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। ये कहाँ गए थे, क्या करके आए हैं? मैसेज में बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं और इतना
इतना महंगा बैग लेके आए हैं? जा, जाके अपने दोस्तों को देगा। ठीक है पापा। आप ये सब जो बोल रहे हैं, कोई लॉटरी लग गई है क्या? देखिए लॉटरी तक तो ठीक है, पर कोई गलत काम मत करिएगा। गलत काम मतलब आपको अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है? भरोसा है तभी आपको दोस्त बनाया है। चलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे इस दोस्त की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। Hey, Baba Cool at your service. Have no fear. Baba Cool is here. Kaisa lag raha? Hello? Hello. चाची जी, मानस और आशना आते ही होंगे, उधर का क्या अपडेट है? तू चिंता मत कर, मैं बस सबको समय से लेके पहुंच जाऊंगी। मैं बस बात करने ही जा रही। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे नन्ने, ये तो मेहमानों की लिस्ट 200 से ज्यादा उज्जैन से ही हो रही है। जानकी माँ, क्या बात है, कुछ कहना है? जानकी माँ, घर में शादी है तो सोच रही थी कि मंदिर जाके धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। ठीक है, चलेंगे। जानकी माँ, अभी चल लेते हैं ना, अब काफी रुकावटों के बाद ये रिश्ता तय हुआ है। एक बार दर्शन हो जाएंगे तो शादी की सारी तैयारियां भगवान के आशीर्वाद के साथ ही होगी। अरे जानकी, ज्योति ठीक कह रही है, शादी की तैयारियों से पहले मंदिर हो आते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं मंदिर। तुम सब लोग तैयार हो जाओ। मौली को मैसेज भेज देती हूँ कि हम आ रहे हैं। राहुल, रेडी ना? मानस और आशना आगे, सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो ना। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, नमस्ते, कम प्लीज सिट। ठहरो बाबा, कह रहे कि जो भी हो मन की बात इस पेपर पे लिख दो साफ। गुड हैंडराइटिंग। क्यों आप बाबा हो? आप बताओ हमारे दिल में क्या है। ठहरो बाबा कह रहे हैं कि ठहरो बाबा नहीं आए तुम्हारे पास, तुम आए ठहरो बाबा के पास, इसीलिए इफ यू हैव एनी डाउट गेट आउट प्लीज गेट आउट। नहीं नहीं बाबा जी, आई एम सॉरी, ये थोड़ा स्टूपिड है। नॉट स्टूपिड, वेरी वेरी। क्या मतलब? मानस वेट, बाबा जी इतना स्टूपिड भी नहीं है, बट प्लीज इग्नोर, आप मुझे दीजिए पेपर, मैं लिखती हूँ। घर से निकल चुके हैं हम मंदिर के लिए। थैंक गॉड ये लोग निकल गए। पेन? डैड की प्रॉपर्टी चाहिए। मानस के नाम होते ही हम शादी कर लेंगे और फिर सेटल हो जाएंगे। चलो देखते हैं व्हाट किस्मत विल से।
Now, young lady, pick one card. And tum, extra plus one. Tum bhi ek card pick karo. Time is right. Chances are bright. The situation is tight. For you, lady, very good. But for you, problem. दिखा क्या रहे बताओ. Problem from your side. You decide. एक लड़की है. Not so divani see. कार्स का कहना है तुम्हें उससे बच के रहना है तो जब गुस्सा है उसे आता तब कोई नहीं बच पाता लव का एक ओशन है पर जब उसे गुस्सा आता है तब तबाही का सुनामी बन जाता है वो एक भारत नारी है सब पे फुल ऑन भारी है फुल ऑन बाबा जी 100% मौली की बात कर रहे हैं मुझे पता था मौली हमारी लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम है Overacting थोड़ी कम करो प्लीज ठीक है माय डियर क्लाइंट्स ये लड़की तुम दोनों की शादी प्रॉपर्टी फैमिली सबको साइड कर देगी सबसे पहले इसे साइड करो वरना ये तुम्हारा वो हाल करेगी कि ना घर का ना घर क्या बकवास कर रहा है ये मानस पापा इज राइट आई न्यू इट मौली के रहते हम तो कभी एक नहीं हो पाएंगे I always do it. मैंने तुम्हें हजार बार बोला लेकिन तुमने हमेशा इग्नोर कर दिया तो बिलीव हो गया ना तो क्या करूं मौली को जान से मार दूं क्या अरे हमारे जो प्लान है उसे फॉलो तो कर रहे हैं ना हम मानस पापा ने क्या बोला मौली को सीन से हटाना होगा तुम बाबा को भी बोल दो ना कर देंगे भी मानस तुम फिर से बाबा को गुस्सा दिला रही हो तो क्या कर लेगा मुझे वैसे भी ये बाबा पूरा फेक लग रहा है इंग्लिश हिंदी मिक्सर के बात कर रहा है कभी पोएट्री में बात कर रहा है कभी राइमिंग में बात कर रहा है ड्रामा स्कूल जो पास आउट है वैसी वाली वाइब आ रही है इससे और तुमने इसको हमारा पूरा प्लान ना पेपर में लिख के दे दिया है सबसे पहले तो इस पेपर को फाड़ो नहीं 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 मानस डोंट व्हाट और मैं यहां रुक नहीं रहा हूं मानस मैं जा रहा हूं यार डोंट डू दिस मानस राहुल रोको आशना को दोनों को साथ में पकड़वाना है चलो ही इज अ ब्लडी कावर्ड डरपोक है गो डरपोक सच से भाग रहा है तुम भी जाओ भागो उसके पीछे भागो रोको रोको उसे रोको पापा जी वो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं मुझे इसका भी सॉल्यूशन पूछना है आपसे किसी बात में जाओ पहले रोको उसे जाओ रोको रोको जाओ जल्दी जाओ रोको राहुल ज्योति चाची का मैसेज आया था कि वो लोग मंदिर के लिए निकल गए हैं मैं भी उन्हें मैसेज कर देती हूँ कि मानस और आशना भी यहाँ से निकले हैं बाहर की तरफ ताकि पूरा परिवार इन दोनों को साथ में देख लो जानकी माँ भोग ले लेते हैं मंदिर जाने से पहले चलो आओ ले लेते हैं मानस चलो ना प्लीज मेरे साथ चलो मैं नहीं जा रहा उस ढोंगी बाबा के पास तुम चाहे कुछ भी कर लो जानकी माँ ये मानस के साथ लड़की कौन है मानस ये मानस के साथ लड़की कौन है हाँ देखो ना हाथ पकड़ के खींच रही है सर अजंता भाभी ये कौन है मुझे तो ये वो मुंबईया हीरोइन लग रही है क्या नाम था उसका आशना हाँ वही आशना होगी ये अब इसका मतलब मानस अभी भी आशना के साथ ही है
लेकिन उसने कहा था कि उन लोग के बीच सब कुछ खत्म हो गया है और वो धोखा देके चली गई है उसे। मानस, What is wrong with you, Ashna? मैंने कह दिया ना, just leave me alone. तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी, पैसे लेकर, धोखा देकर, मुझे फंसाकर, अब क्यों वापस आई हो? तब मैं अकेला था, ठीक है? इसलिए तुम्हारी बातों में आ गया, फंसा लिया तुमने। अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, और तुम्हारे लिए ना मौली को धोखा देकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। पर अब मेरी और मौली की शादी फिक्स हो चुकी है, आई लव हर, और तुम्हारे लिए ना मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हटो मेरे मानस से। पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है आशना? हाँ, पहले तुमने मेरी और मानस की शादी तोड़वाई, फिर उसे उसी की मॉम डैड से दूर कर दिया तुमने, फिर तुमने उसके डैड का नाम लेकर मार्केट से पैसे लिए, और वो पैसे लेकर के फिर गायब हो गई तुम। उसके बाद मानस को रिकवरी एजेंट ने टॉर्चर किया था, जेल भी जाना पड़ा था मानस को, तुम्हें पता भी है, और तुम बेशर्मों की तरह फिर से आ गई उसकी लाइफ में। कैसी लड़की हो तुम आशना, बेशरम, बदतमीज और बेकार लड़की है ये। पैसे चुराकर भाग गई थी ये मानस के, और जब पैसे खत्म हो गए तो पैसे आ गए मेरे बेटे के पास। हाउ सेल्फिश। और नहीं तो क्या, ततैया है ये, बस डंक मार सकती है। जो पैसों के लिए बिक जाए उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता। दादी ब्रो, इतना कुछ हो गया आप कुछ बोलेंगे नहीं? शर्म लड़की, अगर मंदिर के परिसर में ना होते ना, तो कसम मम्मी माँ की, ऐसी फजीहत करते ना कि 7 जन्मों तक याद रहती। जा रही हूँ मानस, हमेशा हमेशा के लिए। इट्स ओके मानस, आई नो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मौली, मानस तो किसी का सगा नहीं है, जिस लड़की से प्यार करता है उसे पिटते हुए देखकर भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया, और ये सब इसलिए ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए। अगर मैं होता ना तो पूरी दुनिया से लड़ लेता, चिल्ला चिल्ला कर बोलता, बॉस मैं इससे प्यार करता हूं, बैक ऑफ। और तुम कभी किसी को धोखा भी नहीं दोगे, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो या फैमिली। आई नो, पर सब ऐसे नहीं होते राहुल, स्पेशली मानस और आशना तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनका सच तो मैं बाहर ला के रहूंगी। दोनों गोलू को कैसे भूल गए? I'm sure ये आपका काम बहुत आसानी से कर देगा। गोलू, पक्का ना तुम कर लोगे ना? हाँ हाँ कर दूंगा, बस एक बार बता दो करना क्या। हाँ देखो, तुम्हें अपनी कंप्यूटर नॉलेज यूज करके कुछ ऐसा करना है जिससे हम सबको पता चल पाए कि मानस कब किससे कहाँ क्या बात कर रहा है। ऐसा तो लोग करते हैं, हम मानस भैया का फोन टैप कर सकते हैं।
तुम कर लोगे? अरे करना ही क्या है, एक ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर वही ऐप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करके दोनों को लिंक कर देना। लेकिन मानस को पता चला तो? अरे भाभी, गोलू का काम कच्चा नहीं है। स्टाइल मान ले गोलू, पर बता दे करेगा कैसे? अरे हो जाएगा, उनके फोन में ये ऐप हाइड कर देंगे और उनका फोन टैप हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। गुड गोइंग ब्रो, नाइस। हां तो जल्दी से करते हैं गोलू, इतना सब कुछ हुआ उसके बाद आशना का फोन आता ही होगा मानस के पास। डन, मैं लैपटॉप लेके आता हूँ अभी, कर दे। ठीक है। ऐसे कैसे वापस आ गई हो? मानस को जेल भिजवाया था उसने, ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, जो पैसे वो मानस को फंसा कर चुरा कर लेकर गई थी फ्रॉड करके, वो खत्म हो गए होंगे, इसलिए आ गई वापस मेरे बेटे के पास। एटीएम समझ रखा है मानस को। आप दोनों आशना को ब्लेम कर रहे हैं, पर धोखा तो आपको आपका बेटा ही दे रहा है। मानस, मानस ये कपड़ा गिर गया है मुझसे, प्लीज हेल्प कर दो ना। बहुत ऊपर है मौली। हाँ कोशिश करो ना, जंप करके आ जाएगा आसानी से। आया? नहीं। आ जाएगा, बस इतने से के लिए बच गया, एक बार और कोशिश करो मानस, आ जाएगा आसानी से, आ जाएगा। नहीं मौली, बहुत ऊपर है, मुझसे नहीं हो रहा। कोशिश तो करके देखो, निकल जाएगा। पॉसिबल नहीं है, ऊंचा है काफी ये। मौली नहीं होगा मुझसे। मानस, मानस प्लीज एक एक लास्ट ट्राई करके देखो ना, हो जाएगा। प्लीज मानस, प्लीज लास्ट लास्ट ट्राई करके देखो, जंप करके देखो, निकल जाएगा। नहीं हो रहा है। नहीं होगा तुमसे, रहने दो, मैं ट्राई करती हूँ, रहने दो मानस। थैंक यू। गोलू, ये ऐप तो काम करेगा ना? भाभी, टेक्नोलॉजी कभी किसी को धोखा नहीं देती। पक्का ना? हाँ भाभी, पक्का। मानस, तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इस बार नहीं बच पाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.